अच्छा हिते असां शादी थियण जा या मैरिजिस जा कीअं किथे प्रॉब्लम्स हिते असां डिस्कस कयो. हिकु ॿियो ॾाढो इम्पॉर्टेंट फैक्टर आहे असां वटि साईं सोसाइटी में, ऐं शायदि चवणु खपे या न चवणु खपे, पर किथे असांजो हिकु कल्चर जो हिकु हिसो थींदो पियो वञे. वॉयलेंस, डोमेस्टिक वॉयलेंस जी मां ॻाल्हि करे रही आहियां. अॼु असां वटि अॼु ताईं पहिरीं त इहो दौरु असांखे ॿुधण लाइ मिलंदो ई हो, असां जॾहिं नानियूं ॾाॾियूं असां जॾहिं उन्हनि जी जॾहिं ॻाल्हि कजे थी त इहो त दौरु असांखे मिलंदो ई हो. त पहिरीं त हिकु ट्रैक हूंदो हुयो, हिकु लाइफ जो, ज़िंदगी जो गुज़ारण जो हिकु तरीक़ो हूंदो हुओ, जंहिंमें इहा शइ हूंदी ही हूंदी हुई. अॼु उन वॉयलेंस खे थोरो सो एड्रेस कयो पियो वञे, अॼु उन वॉयलेंस जे बारे में थोरो सो ॻाल्हायो पियो वञे, पर अॼु बि असांखे उहा औरत मिले थी जेका उनखे लॻे थो त शायदि अगरि उहो वॉयलेंस हुन सां थी रहियो आहे त शायदि ईअं ई थींदो आहे, शायदि उनखे ईअं ई हलणो आहे. तव्हां पंहिंजे जॾहिं लीगल सोसाइटी मां ॻाल्हि कयां थी, उन नज़र सां एज़ एन एडवाइज़र, एज़ एन एडवोकेट, कीअं था ॾिसो सोसाइटी जे इन एस्पेक्ट खे? असल में मसिलो इहो आहे, जेका डोमेस्टिक वॉयलेंस पाकिस्तान जे अंदरि तक़रीबन हर शइ में घटि मां घटि जेका 70-80% रिपोर्ट नथा थियनि केस. असांखे कॉल मौसूल थिए थी, जेका अगरि कोई वायलेंस थिए थो पए थो, असांखे सभिनी ॿुधाए थी पई पाचे थी की मां अगरि इनखे रिपोर्ट कंदमि त पोइ इन खां बाद मुंहिंजो शोहर तो मूंखे न रखंदो फैमिली मां. अगरि मां उनजे ख़िलाफ़ु कोर्ट हली वई त पोइ मुंहिंजो तो घरु तबाह थी वेंदो. त 80% जेका डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट नथो थिए, और बाक़ी जो अगरि असां वटि कोई बि शइ कॉल ईंदी आहे असां सभिनी उनखे ॿुधाईंदा आहियूं. अगरि त हू कोर्ट पिननि चाहे थी और कार अफोर्ड नथी करे सघे तो इन मसले में असां उनखे डोमेस्टिक वायलेंस में वकील भी प्रोवाइड कंदा आहियूं. सही. जेंडर बेस्ड वायलेंस जे थ्रू तो मसलो इहो आहे की पाकिस्तान में जेका तकरीबन जेका विलेजेस जी अगरि मां उन हवाले से ॻाल्हि करां तो असल वायलेंस जो आहे उन्हनि औरतुनि जे साथ आहे जेका विलेजेस में रहंदियूं आहिनि. उते वायलेंस जी तादादु घटी आहे तो सभिनी ईअं सम्झंदा की बसि हीअं थींदो लाज़मी आहे, मगर हाणे जेका मुआशरो तरक़ी करे रहियो आहे त उन्हनि औरतुनि खे बि पंहिंजा राइट ख़बर पवनि था की भई ई न आहे, कंहिंखे बि हक़ न आहे की हीअ घर में मारपीट करे, चाहे मतिलबु इन लॉज़ हुजे या हस्बैंड हुजे, त हू बि पंहिंजे लाइ राइट लाइ ॻाल्हाए थी हाणे फैमिली में की भई हीअं न आहे. तो लीगल एड सोसाइटी जेंडर बेस्ड वायलेंस जे थ्रू बि कम थी कए. असांखे जॾहिं कॉल मौसूल थिए थी, असांजो जेका टोल फ्री नंबर आहे 0800-708-06 ते, तो असां उनखे सभिनी शइ ॿुधाईंदा आहियूं, उन्हनि जी काउंसलिंग कंदा आहियूं, उन्हनि खे ॿुधाईंदा आहियूं की भई हिन हिन तरीक़े सां मैटर सॉल्व थी सघे थो. सही सही. अच्छा, जिते तव्हां वर्ड यूज़ कयो पिया जेंडर बेस्ड वॉयलेंस, थोरो सो मां इनखे डिस्क्राइब करणु चाहियां थी, पंहिंजे नाज़रीन ताईं पहुचाइणु चाहियां थी. इन मां तव्हां छा मुरादु आहे? असां छो त जंहिं असां वॉयलेंस जी ॻाल्हि करे रहिया आहियूं उनखां हटी करे असां जेंडर बेस ते वञूं था, त उहे कहिड़ा एस्पेक्ट आहिनि जेके तव्हांखे उन जेंडर खे स्पेसिफाई कनि था त हिन जेंडर सां ई थी रहियो आहे या हिन जेंडर सां ई थी रहियो आहे? जेंडर बेस्ड वॉयलेंस में जेका औरतुनि ते जेका बि ज़ुल्म थिए थो या कोई ॿार हुजनि तो ई जेंडर बेस्ड वायलेंस आहिनि. जेका अगरि असॉल्ट वग़ैरह थिए थो, रेप केसिस आहिनि, त ही सभु कुझु वायलेंस जा आहे न. तो जेंडर बेस्ड वायलेंस जे थ्रू ही सभु चीज़ूं ईंदियूं आहिनि. जेका डोमेस्टिक वायलेंस आहे औरतुनि जे मथे, चाइल्ड मैरिज जेका थींदी आहे 18 सां जेका लेस हूंदी आहे उमिरि हुनजी, तो अगरि शादी थी वञे थी त ही बि हिकिड़े तरह जो वायलेंस आहे, चाइल्ड मैरिज जेका आहे. बिल्कुलु बिल्कुलु. अगरि चाइल्ड मैरिज थिए थी त उन्हनि जा बि घणा कोड इस्पेक्ट जेका माशरे ते ईंदा आहिनि, जिन्हनि खे समझ न आहे की घर कीअं हलाइणो आहे. अगरि हुनजी शादी त थी वञे त लास्ट छा थींदो? सही, बिल्कुलु बिल्कुलु. असां सराउंडिंग में अहिड़े लोगनि खे सुञाणा थी की मतिलबु अगरि छोकिरो या छोकिरी ॿिन्हिनि खे अकल न हुई जॾहिं शादी थी हुई, ठीक आहे, शादीअ खे हाणे हुनजा तक़रीबन साल थी विया, 10 की 12, हवे ॿार बि थी विया, मगर हू पंहिंजी शादी हलाइण लाइ तयारु न आहिनि. मसिलो इहो आहे की भई असांजी उमिरि, असां ॿार हुआ, असांखे समझ ई न हुई की शादी छा आहे. तो माशरे में सभिनी खे ई खपे की ॿारनि जी शादी उन टाइम ते करे जेका लीगल एज आहे 18 खां पोइ. हा, सही सही. मिनिमम एज आहे शादी जी, उन एज ते शादी थियणु. जी, हाणे त मुंहिंजे ख़्याल में जेके सर्विस अचनि पिया आहिनि, जेके असांजा जेके सियाणनि जो चवणु कुझु ईअं आहे त तव्हां जेका मैरिजिस आहिनि, पर उहे बि अगेन ॿ राहूं आहिनि. इट डिपेंड्स ऑन योर फैमिली या तव्हांजो कल्चर जेको बि आहे. त कुझु माण्हुनि जो इहो चवणु आहे, पर मेजॉरिटी माण्हुनि जो इहो चवणु आहे त तव्हां एटलीस्ट 25+ में मैरिजिस कयो जॾहिं तव्हांजी मेचोरिटी वारी जेका एज आहे उहा स्टार्ट थी वेंदी आहे. कुझु माण्हुनि जो इहो चवणु आहे, पर अॼु बि असांजो वॾनि जो इहो बिलीव आहे त शादी जेका आहे उहा यंग एज में वधीक बहितर
रही है जो नंढी एज है उनमें खैर जी वह तहे घर जो फैसलो है पर लीगली एटलीस्ट 18 प्लस त होने का उन अच्छा एक जैसे तुम वॉयलेंस की गाल था तो मुर्तज़ा साहब थोड़ा सा तुम अल्फाज भी शामिल कर चाहिए इन गाल में तो जैसे तुम वॉयलेंस की गाल था तो तड़ियों कैटेगरीज हैं वॉयलेंस जो जो अस नाजरीन के मतलब केदी मल एक तो वॉयलेंस तो हुआ फिजिकल वॉयलेंस तो खबर आए तो कि पर कैटेगराइज थे जैसे तुम वॉयलेंस की गाल था।